तो ये मदरबोर्ड हो गया जो कि इसका नंबर हो जाता है T.867.675 जो कि ये कॉम्बो बोर्ड हो गया। तो इस कॉम्बो बोर्ड के बारे में हम डायग्राम और कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग के बारे में सीख लिए हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे इस वीडियो ने, जो कि ये मदरबोर्ड हो गया, इस मदरबोर्ड को पैनल पर कैसे सेट करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले पैनल पर सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पैनल कितना वोल्टेज का है और पैनल कितना रेगुलेशन का है वो देख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि हम इसको सेट कर सकते हैं, जो कि ये हमारा कॉम्बो बोर्ड हो गया। तो चलते हैं और देखते हैं, जो कि मेरे पास नहीं है। तो ये हो गया हमारा पैनल जो कि एलईडी टीवी हो गया। तो एलईडी टीवी का जो कि मदरबोर्ड होता है उसको हटा दिया है, और जो कि ये मदरबोर्ड हो गया इसको क्या करेंगे कि इसमें हम लगा कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारा ये कितना रेगुलेशन का ये पैनल है, और उसके बाद में क्या चेक करेंगे कि हमारा ये कितना वोल्टेज का ये पैनल है। तो ये हमारा जो कि वोल्टेज हो गया 12 वोल्टेज का पैनल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो कि ये हो गया, यहाँ पर हमारा पैनल का जो कि वोल्टेज चला जाता है ये जम्पर के द्वारा, जो कि इस जम्पर को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। इस जम्पर को ओपन कर लिए और जो कि हमारा यहाँ पर ये 12 वोल्टेज का है वो दिखाते हैं अच्छी तरह से, जो कि ये पिन हो गया, ये पिन हमारा 12 वोल्टेज है, और मिडल का पिन हो गया हमारा ये वाला आउटपुट वोल्टेज हो गया। तो क्या करेंगे कि जो कि हमारा पैनल हो गया 12 वोल्टेज का, तो 12 वोल्टेज टू क्या करेंगे कि हम आउटपुट पिन पर ऐसे इस जम्पर को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा सबसे पहले 12 वोल्टेज इनपुट हो जाएगा पैनल पर, और क्या करेंगे कि हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले एसी कोड को सेट कर लेते हैं, जो कि हमारा कॉम्बो बोर्ड हो गया। तो कॉम्बो बोर्ड को सेट करने के लिए एकदम आसान है, जो कि हमारा इसमें टोटल सेक्शन एक इसी में बना हुआ रहता है, जो कि ये हो गया 12 वोल्टेज। क्या होता है कि हमारा एसी वोल्टेज क्या करता है कि 12 वोल्टेज आउट करने लगता है, और उसके बाद में हमारा यहीं पर क्या बना हुआ है तो बैकलाइट सेक्शन बना हुआ है। तो बैकलाइट जो कि हमारा स्ट्रिप का जो कि वायर हो गया, इस वायर को क्या करेंगे कि हम कनेक्ट कर लेंगे। माइनस प्लस सबसे पहले देख लेंगे, उसके बाद में कनेक्ट करेंगे, जो कि इसमें हमारा माइनस प्लस एकदम ओके है। इसको कनेक्ट कर लिए, और ये हो गया हमारा जो कि सेंसर का हुआ है और कीपैड का हुआ है। तो इसको क्या करेंगे कि हम इसमें लगा देंगे, इसको और उसके बाद में क्या करेंगे जो कि हमारा ये स्पीकर का वायर हो गया। तो इसको क्या करेंगे कि इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में यह हमारा LVDS का वायर हो गया, जो कि हमारा यहाँ पर 12 वोल्टेज है, 1, 2, 3 नंबर, जो कि हमारा रेड वायर हो जाता है 12 वोल्टेज। तो ऐसे कर कर क्या करेंगे कि इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, ऐसे कट कर कनेक्ट कर लिए, जो कि हमारा इसमें कॉम्बो बोर्ड है। तो कॉम्बो बोर्ड पर हमारा जितना उतना झंझट नहीं रहता है, जो कि हमारा एक ही बोर्ड पर टोटल सेक्शन बना हुआ रहता है। अपने आप क्या हो जाता है कि ये 220 वोल्टेज एसी इनपुट देते ही हमारा टोटल सेक्शन पर करंट चला जाता है, और टोटल सेक्शन ओके होने पर वर्क करने लगता है। तो ऐसे कर कर क्या करेंगे कि हम फिट कर लेंगे, और क्या करेंगे कि चलते हैं पैनल की तरफ और देखते हैं। पैनल पर तो कोई हमारा समस्या नहीं है, तो क्या करते कि इसको चलते हैं पलटाते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और पैनल की तरफ चलते हैं। तो पैनल की तरफ आ गए, और क्या करते कि इसको लाइन पे लगाते हैं। तो इसको लाइन पे लगाया, लाइन पे लगाते हैं हमारा पावर का एलईडी है वो आ गया है, आपको दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर है, आपको यहाँ पर है, ये हमारा रेड कलर का आ गया है, जो कि पावर का एलईडी हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम रिमोट से ऑन करेंगे, जो कि हो गया हमारा रिमोट, इसको प्रेस करते हैं। तो आप भी देख सकते हैं हमारा टीवी पर लाइट आ गया है, और देखते हैं ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कि ग्राफिक्स भी आ रहा है, लेकिन हमारा इसमें लगता है कि पिक्चर का क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। तो क्या करेंगे कि इसमें हम वीडियो चला कर देखते हैं कि हमारा ये पिक्चर ओके है कि नहीं है, नहीं होने पर क्या करेंगे कि हम मैपिंग को ओके करेंगे, ठीक करेंगे। तो पेन ड्राइव को लगाया, और क्या करेंगे कि इसमें हम वीडियो चला कर देखते हैं। तो इसमें है, इसको क्या करेंगे कि हम वीडियो कोई भी वीडियो चला करके देखेंगे। तो साउंड आ गया है, और पिक्चर का जो कि क्वालिटी है ये हमारा डिस्टर्ब है, जो कि इसमें हमारा मैपिंग का फॉल्ट है। तो मैपिंग का फॉल्ट है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका सर्विस कोड को निकालेंगे, जो कि हमारा इसमें सर्विस कोड हो जाता है मेनू 1147। तो क्या करेंगे कि हम रिमोट से मेनू 1147 को प्रेस करेंगे, मेनू हो गया 1147। तो मेनू 1147 को प्रेस करते ही हमारा यहाँ पर आ गया है, जो कि इसमें हमारा फैक्ट्री सेटिंग लिख करा गया है। तो क्या करेंगे कि हम पैनल सेटिंग पर जाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पर है 2 नंबर पर पैनल सेटिंग है। तो इसमें हम जाएंगे, तो यहाँ पर आ गए, और इसको क्या करेंगे कि ओके करते हैं। तो ओके करते ही हमारा यहाँ पर कलर का डिस्प्ले लिखा हुआ है, जो कि 10 बिट है, 10 बिट पर है। तो क्या करेंगे कि हम इसको चेंज कर देखेंगे।
इसको चेंज करते हैं, जो कि 10 बिट है, जो कि 12 बिट आ गया, फिर से चेंज किया तो 6 बिट पर हमारा पिक्चर एकदम ओके हो गया है। सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, तो आप भी देख सकते हैं कि हमारा टीवी एकदम ओके हो गया है, जो कि इसमें हमारा पैनल का भी सेटिंग पर जो कि हमारा मैपिंग का फॉल्ट आ रहा था, तो ऐसे कर कर क्या करेंगे कि हम पैनल का जो कि मैपिंग हो गया उसको भी ऐसे कर कर क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे कर कर क्या करेंगे कि हम जो कि हमारा ये कॉम्बो बोर्ड हो गया, तो ऐसे कर कर क्या करेंगे कि हम सेटिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि और भी कुछ हम नया सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।